Hello students, our today's topic is pencil shading bird. The first bird हमारी है sparrow. उसके लिए हम two oval shapes draw करेंगे, एक small और एक big. Small जो है वो face के लिए है और जो big है वो body के लिए. यहाँ पर हम इसकी beak draw कर दी है हमने और इसको हम body को एक leaf shape देंगे और उसी में स्ट्रेट हम टेल ड्रॉ कर देंगे. विंग्स के लिए एक लीफ शेप एंड हमने इसके चेस्ट के लिए नीचे की ओर बॉडी को बढ़ा दिया है. ये हमारे लेग्स हो गए और यहाँ से जॉइंट कर दिए हमने दोनों ओवल शेप. आईज के लिए एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया और उसके आसपास हमने डार्कनेस दिखाई. ये हमारे फेदर्स शो हो रहे हैं और जैसे हम राइट का मार्क लगाते हैं इस तरीके से हमने लास्ट में लंबे लंबे विंग्स ड्रॉ करे हैं. सारी ड्राइंग थोड़ी डार्क करेंगे और शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे. थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ. देखिए हम पूरी बर्ड में जगह जगह हैचिंग ड्रॉ करेंगे. नेक पे थोड़ी डार्कनेस देंगे और बीक के आसपास. आईज के लिए हमने इसको पूरा फिल कर दिया और सेंटर में थोड़ा सा पार्ट छोड़ा है. जो हमने विंग्स ड्रॉ किए हैं अपने उसके आसपास डार्कनेस शो करेंगे. हैचिंग ड्रॉ करके लेग्स में हमने कुछ लाइंस शो किए हैं और ये हमारा बेस में हमने शेडिंग करी है और लेग्स को डार्क कर दिया. पूरी ड्राइंग डार्क कर दी और हमारी स्पैरो बर्ड कंप्लीट है. हमारी नेक्स्ट बर्ड है स्वान. स्वान के लिए हम एक नाइन नंबर जैसे हम लिखते हैं ना 2 और 9 उसकी तरह से फेस उसका बनाएंगे और नीचे की ओर हम एक एग शेप देंगे और इन दोनों शेप्स को हमने कर्व करके थोड़ा वेवी लाइन से जॉइन कर दिया. यहाँ पर हम इसके विंग्स ड्रॉ कर रहे हैं जैसे यू शेप होती है ना, एक के साथ एक जुड़ा हुआ यू जिस तरीके से हम बनाएंगे ऐसे हमने इसके विंग्स ड्रॉ कर दिए और नीचे की तरफ उसको बढ़ा दिया है. आईज के लिए स्वान की बीक लंबी होती है तो ये एक शार्प और लॉन्ग बीक हमने ड्रॉ कर दी. ड्राइंग अपनी डार्क करेंगे और लेग्स के लिए नीचे वी शेप. स्वान के लेग्स लंबे होते हैं और यहाँ पर हमने इसके लेग्स ड्रॉ कर दिए और डार्कनेस दिखाएंगे विंग्स के नीचे. इसमें भी हम हैचिंग करके नेक पे मैंने क्रॉस हैचिंग की है और सभी विंग्स में हम हैचिंग करेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और फिर इनको डार्क करेंगे. पूरी ड्राइंग को डार्क कर दिया और अभी नीचे बेस शो करेंगे.